सृष्टि का विधान है, नियम है, भगवान ने या साइंस ने, ऐसे कोई विधान अभी तक निकाला नहीं बिना कुछ बोए हुए कुछ उग जाए। ऐसा किया साइंस ने, भगवान ने ऐसे जो चमत्कार किया बिना कुछ बोए हुए कुछ उग जाए नहीं। एक बीज बो दो, हिम्मत का एक कदम रखो, एक व्रत इस भट्टी से एक व्रत ले। क्या व्रत? एक महीना कम से कम। हो सकता है चिट्ठी लिखकर बाबा को बाबा के कमरे में डाल के जाना, बाबा एक महीने के लिए क्रोध को आप अपने पास रखना, हमारे पास भेजना नहीं। हाँ, एक महीने के लिए, तब तक आप शक्तिशाली बन नहीं गए, फिर उससे लड़ाई कर सकते हो। अगर एक महीने के बाद क्रोध आ जाए आपके दरवाजे पर, उससे आप सामना कर सकते हो, है ना। चले एक महीने तक खा पी करके मजबूत होंगे तो लड़ाई करना पड़ेगा ना, बिना लड़ाई के तो विजय की माला नहीं आएगी। विजयी बनना है तो लड़ाई युद्ध करना पड़ेगा, तो लेकिन पहले सशक्त बनना चाहिए। तो एक महीने बाबा आप अपने पास इस माया को बांध के रखना, एक महीने के बाद भेजना, हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे कर सकते हो। हाँ माई माताएं बताओ, भाई बताओ, कर सकते हैं, करेंगे। माताएं हाथ नहीं उठाए, हाँ दीदी देखने के लिए बैठी है खास आके, ऊपर आके क्यों बैठी बताए। हाँ दीदी देखते अपने राज में कौन कौन क्रोध मुक्त होंगे, क्योंकि बाबा कल पूछेगा बहन जी से, दीदी से पूछेगा इस माता जी को सत्युग में ले जाए, इतनी बाबा ये ठीक नहीं है, ये थोड़ी क्रोध करती है। हाँ सर्टिफिकेट तो दीदी ने देना पड़ेगा ना, तो सत्युग में ले जाना है तो बाबा निमित्त टीचर को पूछता है इनको ले जाए सत्युग में, इनको गद्दी पर बिठाए, तो सर्टिफिकेट तो कहाँ से मिलेगा। इसलिए देखने के लिए ऊपर आए कौन कौन क्रोध मुक्त बन रहे हैं। ऐसे ऊपर से अभी बाबा भी देखता होगा, दीदी आए तो बाबा भी ऊपर से देखता होगा, मेरे बच्चे कानपुर में कौन कौन तैयार है, जो सत्युग के अचानक परिवर्तन होगा। हाँ कोई ले जाने का तैयार ही चाहे ना, टीचर भी देखता है अपने स्टूडेंट में कौन तैयार है, तो आप में से कौन तैयार हो। माता जी बताती नहीं है, कहते क्रोध अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। हाँ नहीं, जो बाबा को लिख के देंगे, हाँ इस भट्टी का कुछ निकलना चाहिए ना, कम से कम ये तो कर सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। कुछ खाना नहीं खाओ नहीं कहा, उपवास नहीं करो कहा, अमृत सवेरे सवेरे उठ के योग करो नहीं कहा, कुछ नहीं करो, लेकिन एक हाँ पति बच्चे बोलते हैं, बोले तो बोलने से दर्द तो नहीं होता है। दर्द होता है किसी ने गुस्सा बोल जोर जोर से बोला, दर्द होता है नहीं, आग लगती है नहीं, समझ बोलने दो। हाथी देखो, हाथी जाता है, कुत्ता कितना भी बोलता हो इधर उधर देखता ही नहीं है, है ना, क्यों समझ है उसको। हम हमारा सर्वशक्तिमान शिव बाबा के बच्चे हैं, किसी ने गुस्सा छीन मेरा बाल कोई भी हिला नहीं सकता है। ये आपको निश्चय चाहिए, पति बच्चे बहुत परेशान करेंगे गुस्सा करेंगे तो भी मुझे नहीं, और मन मुख को चुप नहीं रखना, मन से बोलना है जरूर, शिव बाबा ये आपका बच्चा है, आपने मुझे कहा गुस्सा नहीं करो, आप अपने बच्चों को समझो, उस समय बाबा से बात करो।